Hello everyone. So in the previous video we were discussing about heating effect of current. I hope you all are clear with that topic. So we have discussed so many examples of that. कि heating of effect of current को use करके हमने कितने different kind of application निकाले. क्या क्या थे याद करें? Electric bulb, geyser, iron, ठीक है, heaters. So many were there. So today we are taking an example of this electric bulb. अब तो वैसे बहुत कम use कर रहे हैं आप इसको, है ना? अब इसकी जगह हम क्या use कर रहे हैं? आपके घरों में ये वाले bulb हैं किसी के? बहुत कम ही लगा रहे हैं अब हम. वैसे कौन सा बल्ब लगा रहे हैं? एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड. अपकमिंग वीडियोस में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. पहले सीएफएल आती थी, फिर एलईडी आई है. क्यों हम इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं इसके ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हमें सेव भी करना है. सो दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. सो ये इलेक्ट्रिक चीज़ों से चलता है. अब आप इसमें बहुत ध्यान से देखो तो ये जो बल्ब है इसके अंदर एक आपको वायर दिख रहा होगा, ये फिलामेंट दिख रहा है सब बच्चों को? सो दिस फिलामेंट इज ऑफ टंगस्टन. किसका है ये? टंगस्टन. टंगस्टन का सिंबल होता है W. अब टंगस्टन का जो ये वायर है इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं. क्या क्वालिटीज़ हैं? एक तो इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होने पर भी ये पिघलता, मेल्ट नहीं होता है, सख्त है ये, ठीक है. इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वेरी हाई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है. आप इसको करंट दोगे तो ये गर्म होगा. अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ तो ये मेल्ट हो जाएगा. तो जो इसका पर्पस था, क्या ये सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना. सेकेंड चीज, हाई रजिस्टेंस. रजिस्टेंस क्या होता है? अगर आप रजिस्टेंस को इनक्रीज कर दो तो करंट आपका उस सर्किट में कम हो जाता है. अगर आप चाहते हो कि इस सर्किट में करंट कम जाए तो आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा. क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस. और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता. तो ये तीन क्वालिटी हैं इसके अंदर जिसकी वजह से हम बल्ब में कौन सा फिलामेंट यूज करते हैं? टंगस्टन का. कौन सा फिलामेंट यूज करते हैं? टंगस्टन मेटल का. क्या क्या है? वन इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, अनदर वन इज हाई रेजिस्टेंस, एंड अनदर वन इज इट डज नॉट ऑक्सीडाइज. और क्या है? सिर्फ फिलामेंट की वजह से बल्ब जल रहा है. अगर क्या मैं इसका ये शीशा तोड़ दूं तो क्या ये बल्ब जलेगा? जल जाता है कई सिचुएशंस में, लेकिन रोशनी नहीं देगा, लाइट नहीं देगा इतनी. तो लाइट का क्या रीजन है? कि इसके अंदर जो ये बल्ब है इसके अंदर हमने एक मिक्सचर रखा हुआ है आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस का एट अ लो प्रेशर. वॉट इज इट इन इट? अ मिक्सचर ऑफ आर्गन. आर्गन का सिंबल होता है AR, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N. सिंबल भी याद रखने हैं आपको केमिस्ट्री. टंगस्टन का W. सो आर्गन एंड नाइट्रोजन का क्या है? एक मिक्सचर है एट लो प्रेशर. लो प्रेशर में इसके अंदर. अब हाउ इट इज वर्किंग? तो जब इसको हम करंट देते हैं, सो करंट इसमें कौन सा काम स्टार्ट करता है बोलो? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से. ये फिलामेंट क्या होता है? इस फिलामेंट में करंट जाता है तो ये हीटअप होना शुरू होता है. हीटअप होने की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और ये ग्लो करने लगता है. क्या करने लगता है? ग्लो करने लगता है. और उसमें ये मिक्सचर भी हेल्प करती है जिससे आपको ये एक लाइट जलती है. जला के देखेंगे. लेट अस स्विच ऑन दिस बल्ब. सो अभी मैंने ये दो सर्किट इस तरीके से बनाए हैं आपको ताकि ये फिलामेंट आपको दिखे. सो देखो, अब मैंने इस साइड रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा के इसमें करंट कम किया है तो आपको फिलामेंट दिख रहा है जलता हुआ, बट इतनी इसकी ब्राइटनेस नहीं आ रही है जितनी ब्राइटनेस यहाँ पर है, ठीक है. तो ये तो रेजिस्टेंस का काम हो गया. सेकेंड चीज़, ये देखो जितना ज़्यादा करंट जाएगा, अब इसमें करंट कम जा रहा है. वन बॉय वॉज आस्किंग कि वॉट इज़ द इफेक्ट ऑफ करंट, वाई HI² वी हैव टेकन. सो इन थ्री बल्ब्स में करंट कम जा रहा है. हाँ प्लीज़ उसको अटैच करो. इन थ्री बल्ब्स में करंट कम जा रहा है तो आप देख रहे हो कि हीटिंग कम हो रही है और हीटिंग कम होने की वजह से वो बल्ब भी कम जल रहा है. इधर करंट ज़्यादा जा रहा है और इधर गर्म होना स्टार्ट हो गया. अगर आप इसको देखें, सो वी आई एम गेटिंग, ये जो है कौन सा है बोलो? ये कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन. दिस इज रेडिएशन. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरी वन? ओके, सो विच फिलामेंट वी हैव?
टंगस्टन. विच फिलामेंट वी हैव? टंगस्टन. ठीक है, थैंक यू.